मंगलवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे गोरखपुर सब जूनियर लीग का एक मैच देवरिया क्रिकेट क्लब और टीडीएम क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए देवरिया क्रिकेट क्लब ने 30 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 214 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। देवरिया की तरफ से सौरभ ने 71 और अंशुमान ने 48 रनों की पारी खेली। 215 रनों का पीछा करने उतरी टीडीएम क्रिकेट एकेडमी की पूरी टीम 27 ओवर में ही 146 रन पर ऑल आउट हो गई। टीडीएम क्रिकेट एकेडमी की तरफ से तन्मय सिंह ने सर्वाधिक 49 रनों की पारी खेली, जबकि देवरिया की तरफ से आनंद पासवान और सत्यम ने 3-3 विकेट लिए। देवरिया ने इस मैच को 71 रनों से जीता। इसी प्रतियोगिता का एक अन्य मैच रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर देव नारायण क्रिकेट और एसकेपी बस्ती के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बस्ती की टीम ने 30 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। बस्ती की तरफ से अंश पटेल ने सर्वाधिक 71 रनों की पारी खेली। 168 रन का पीछा करने उतरी देव नारायण क्रिकेट की पूरी टीम 29वें ओवर में ही 100 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और बस्ती ने इस मैच को 67 रनों से जीत लिया। No, no, no.